मूवीज चाहे जैसी भी हो पर अगर उसमें एक्शन कमाल का है तो फिर उसे देखे बिना रहा नहीं जाता। तो अगर आपसे रहा नहीं जा रहा तो आज की लिस्ट में मैं आपके लिए कुछ कमाल के एक्शन थ्रिलर मूवीज लेकर आया हूँ जो आप देखे बिना रह नहीं पाओगे। तो अगर आपको ऐसी मूवीज पसंद है तो फ्यूचर रिकमेंडेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं टॉप 7 बेस्ट एक्शन थ्रिलर मूवीज पार्ट 5 का रिव्यू। एक वेल्दी बिजनेसमैन और बहुत बड़े गैंगस्टर को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और उस गैंगस्टर के मर्डर के चार्ज को प्रूव करने के लिए एक विटनेस को बुलाया जाता है, पर वो गैंगस्टर अपने आप को बचाने के लिए उस विटनेस को किसी भी तरह से रास्ते से हटा के रहेगा। तो अब वो कुरियर गर्ल कैसे उस विटनेस को उस गैंगस्टर से बचाती है, ये सब आपको नंबर 7 की मूवी में देखने को मिलेगा। 2019 के एक्शन थ्रिलर मूवी द कुरियर। मूवी का प्लॉट बहुत ज्यादा सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है और इसमें आपको कमाल की कास्ट और एक्शन देखने को मिलेगा। इसकी रेटिंग बहुत ज्यादा कम है पर उस रेटिंग के हिसाब से मूवी कई ज्यादा अच्छी और इंटरेस्टिंग है। बस मूवी बीच बीच में इनलॉजिकल से लगने लगती है, कई सारे सीन्स जबरदस्ती डाले ऐसा फील होता है, पर एक्शन लवर्स के लिए मस्ट वॉच है। ये आपको अमेजन प्राइम पे हिंदी में मिल जाएगी। कुछ मूवीज ऐसी होती है जिसका एक्शन ही नहीं बल्कि स्टोरी लाइन भी टॉप नॉच होती है। एक रिटायर्ड असैसिन अपनी फैमिली के साथ पीसफुल लाइफ के मजे ले ही रहा था कि उसे एक कॉल आता है जो उसे एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व कर देता है। तो अभी कॉन्स्पिरेसी क्या है और वो कैसे अनकवर करता है, ये सब आपको नंबर 6 की मूवी में देखने को मिलेगा। 2024 की एक्शन थ्रिलर मूवी हार्ट ऑफ द हंटर। ये मेरी पहली साउथ अफ्रीकन मूवी है जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी और इंटरेस्टिंग लगी। मूवी में आपको कमाल की सिनेमेटोग्राफी और एक्सेप्शनल कास्ट देखने को मिलेगी जो आपको इसमें पूरी तरह से हुक कर लेगी। हाँ, बस मूवी बहुत ज्यादा फास्ट पेस लगती है और ऐसा फील होता है कि इसे जल्दी खत्म करने की कोशिश की जा रही है। एटलीस्ट पे बहुत अच्छे हिंदी डबिंग के साथ मिल जाएगी आपको। नंबर 5 की मूवी के फीमेल एक्शन सीन्स आपको सब कुछ बुला देंगे। एक रूथलेस ब्रूटल जापानीज मास्टरमाइंड को पता चलता है कि एक लड़की उसे धोखा देके पुलिस के साथ काम कर रही है और वो उसे और उसकी फैमिली को मारने के लिए असैसिन्स को भेजता है, पर उसे पता नहीं होता कि वो लड़की इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। तो आप कौन किसको मानता है, ये सब आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। 2014 की एक्शन थ्रिलर मूवी एवरली। मूवी में आपको कमाल की एक्शन कोरियोग्राफी देखने को मिलेगी जो एक्शन लवर्स को बहुत ज्यादा पसंद आएगी। फीमेल लीड के कैरेक्टर के साथ आप पूरी तरह से कनेक्ट हो जाओगे, उसका हर एक इमोशन आपको अच्छे से फील होगा। फीमेल एक्शन लवर्स के लिए मस्ट वॉच है, ये आपको एप्पल टीवी पे इंग्लिश में मिल जाएगी। अगली मूवी में आपको साइंस फिक्शन और एक्शन का कमाल का मिक्सचर देखने को मिलेगा। पूरी दुनिया को AI ने अपने कब्जे में कर लिया और एक डेटा एनालिस्ट कैसे एक रोबोट AI के साथ मिलकर उस AI से दुनिया को बचाती है, ये सब आपको नंबर 4 की मूवी में देखने को मिलेगा। 2024 की साइफाई एक्शन मूवी एटलस। ये मूवी अभी हाल ही में रिलीज हुई है जिसमें आपको कमाल की साईफाई दुनिया देखने को मिलेगी। जिस तरीके से आज के टाइम पे AI के एडवांसमेंट हो रही है, ये मूवी आपको बहुत ज्यादा रिलेटेबल लगेगी। मूवी में आपको बैलेंस एक्टिंग देखने को मिलेगी, कुछ एक्टर्स आपको बहुत ज्यादा अच्छे लगेंगे और कुछ बिल्कुल बेकार। कोई नई साईफाई मूवी देखना चाहते हो तो ये आपको नेटफ्लिक्स पे हिंदी में मिल जाएगी। 2014 के हिस्टोरिकल मूवी आपको वॉर की दुनिया में लेके चली जाएगी। एक बेटे के सामने उसके फादर का मर्डर हो जाता है जिसकी वजह से अपने फादर का रिवेंज लेने के लिए वॉर का ऐलान कर देता है। तो इस वॉर में आखिर क्या होता है, ये सब आपको नंबर 3 की मूवी में देखने को मिलेगा। 2014 की वॉर हिस्टोरिकल मूवी 300 राइज ऑफ एन एम्पायर। मैंने इस मूवी को स्टार्ट करने से पहले इसकी रिव्यूज पढ़ लिए थे जो ज्यादातर नेगेटिव थे, पर मूवी बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। मूवी 2007 में 300 का सीक्वल है, पर आप इस मूवी को डायरेक्ट भी देख सकते हो। इसमें आपको कमाल का फैंटेसी एक्शन देखने को मिलेगा और इसकी हिस्टोरिकल सिनेमेटोग्राफी इसे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है। ये मूवी आपको अमेजन प्राइम पे हिंदी में मिल जाएगी। अभी मूवी की इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन ने मुझे पूरी तरह से हुक कर लिया था। एक डेंजरस हिटमैन जो अपने खतरनाक किलिंग के तरीके के लिए फेमस है, उसकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाती है जब उसके किसी अपने को उसी के क्रू में से कोई मार देता है। तो अब वो कैसे उससे अपना बदला लेता है, ये सब आपको नंबर 2 की मूवी में देखने को मिलेगा। 2018 की एक्शन थ्रिलर मूवी एक्सीडेंट मैन। मुझे इस मूवी में सभी एक्टर्स की एक्टिंग बहुत ज्यादा अच्छी लगी, सब लोग अपने अपने कैरेक्टर में बिल्कुल परफेक्ट लग रहे थे। इसमें आपको कमाल के एक्शन सीन्स देखने को मिलेंगे जो एक्शन लवर्स के लिए बनाए गए हैं। बहुत टाइम के बाद कोई कमाल के एक्शन और ग्रेट स्क्रिप्ट से बनी मूवी देखने को मिली है। मूवी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ये आपको अमेजन प्राइम पे इंग्लिश में मिल जाएगी। नंबर 1 की मूवी का थ्रिलर अभी भी मेरे दिमाग में चल रहा है। एक बॉक्सर जो अपनी माँ की जान बचाने के लिए अपने फादर को ढूंढने कोरिया में आता है, पर वहाँ आके बहुत सारी प्रॉब्लम्स में आके फंस जाता है। तो अब ये सारी प्रॉब्लम्स है क्या, ये सब आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। ये मूवी साउथ कोरियन है तो इसमें आपको एक्शन तो टॉप नॉच ही देखने को मिलेगा। मूवी को इस तरह से बनाया गया है कि आपको शुरू के स्टार्टिंग मिनट से पूरी तरह से हुक कर लेगी। सारी कास्ट ने कमाल की एक्सेप्शनल एक्टिंग की है जो इसका एक और पॉजिटिव पॉइंट है। तो कोई कमाल की एक्शन मूवी देखना चाहते हो तो 2023 की द चाइल्ड अमेजन प्राइम पे बहुत अच्छे हिंदी डबिंग के साथ मिल जाएगी आपको। तो ये थी मेरी टॉप 7 बेस्ट एक्शन थ्रिलर मूवीज। अगर आपको मेरी रिकमेंडेशन पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और ऐसी मूवीज और सीरीज की रिकमेंडेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली मूवीज और सीरीज के साथ।